26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस, और इस दिन परेड में शामिल होना, इसका हिस्सा बनना और इसको देखना अपने आप में एक सुखद अनुभव होता है। बचपन से हम और आप सभी लोग परेड को टीवी पर देखते आए हैं, और तभी सबके जहन में एक सवाल ज़रूर आता था कि काश हम भी इन्हीं में से एक हों, भले ही उस परेड का हिस्सा बने, भले ही दर्शक दीर्घा में बैठकर हम इस परेड को देखें, लेकिन अपने आप में एक बड़ा और अच्छा खूबसूरत अनुभव है गणतंत्र दिवस का हिस्सा बनना, लाइव हिस्सा बनना। और सोचिए उन लोगों की बात जो कि इस परेड को लीड करते हैं या फिर इसमें शामिल होते हैं, भले वो किसी भी दल का हिस्सा क्यों ना हो। ऐसा ही एक नया इतिहास रचने जा रही है भावना कांत, जिनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो इस बार वायुसेना तमाम लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन करेगी और उन्हीं में से भावना कांत एक होंगी जो कि इसको लीड भी करेंगी। महिला फाइटर पायलट भावना कांत इस गणतंत्र दिवस के मौके पर इतिहास रचने आ रही हैं, क्योंकि भावना भारतीय वायुसेना की फाइटर दल में शामिल होने वाली तीसरी महिला बनने जा रही हैं। भावना ने खुद अपना अनुभव शेयर किया है। उन्होंने कहा कि बचपन में हम लोग देखा करते थे टीवी पर गणतंत्र दिवस की परेड, तभी से मन में एक इच्छा थी कि क्यों ना इसका एक हिस्सा बना जाए। तो एक रिकॉर्ड भी बनने वाला है, और रिकॉर्ड की बात ये है कि गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने वाली वो पहली महिला फाइटर पायलट होंगी। इसके अलावा भारतीय वायुसेना की तरफ से जो झांकी निकाली जाएगी उसमें तमाम फाइटर प्लेन्स जो होंगे वो शामिल होंगे, और उसकी थीम भी मेक इन इंडिया रखी गई है, और इसी थीम के तहत इस बार एक झांकी भी निकाली जाएगी। परेड में शामिल होने की खबर पर भावना ने सीधे तौर पर कहा कि बचपन से एक इच्छा थी और मन में था कि हम भी एक दिन इस परेड का हिस्सा बने, तो आज वो मौका आया है और वो सपना भी साकार हो रहा है। उन्होंने साथ ही साथ कहा कि राफेल और सुखोई का के साथ साथ अन्य लड़ाकू विमान उड़ाना भी उनकी पहली पसंद है, और उन्होंने कहा कि ये भी मेरी इच्छा है। आपको बताएं कि इस बार भारतीय वायुसेना की तरफ से LCA तेजस लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, रोहिणी रडार, आकाश मिसाइल और सुखोई 30 MKI का प्रदर्शन होगा, और इसी दौरान विंटेज विमान डकोटा का भी प्रदर्शन होगा। 1971 की लड़ाई में इस विमान ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी, और इसीलिए इस बार इसको गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल भी किया जा रहा है, और इस बार बांग्लादेश की सेना भी मौजूद रहेगी इस परेड में, और इसी दौरान भारत की पाकिस्तान पर जीत की 50वीं वर्षगांठ भी है, तो उसको भी इस बार मनाया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे मौजूद, और उन्हीं की मौजूदगी में जब बांग्लादेश की सेना की टुकड़ी मार्च करेगी तो इस दौरान डकोटा विमान MI-17-1V के साथ उड़ान भी भर रहा होगा। भारतीय वायुसेना के लिए भी ये एक बहुत ही गर्व की बात होगी, क्योंकि तमाम पायलट्स भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद होंगे, और इसके अलावा मार्च में 4 वायुसेना अधिकारी और 96 वायु सैनिक शामिल होंगे। परेड में 42 यानी कि 42 वायुसेना के विमान और 4 आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर्स को भी इजाज़त दी गई है, वो भी यहाँ पर इस दौरान अपने कर्तव्य दिखाएंगे, उड़ान भरेंगे, और ऐसा पहली बार होगा कि गणतंत्र दिवस परेड में लाल किले की बजाय नेशनल स्टेडियम में इस बार ये होगी। और इस बार दर्शकों की संख्या को घटा दिया गया है, वजह बताने की ज़रूरत नहीं है, 25,000 की गई दर्शकों की संख्या। वजह सीधा सीधा है, कोरोना काल है, तमाम सावधानियां भी बरतनी है, सोशल डिस्टेंसिंग, जाहिर सी बात है कि स्पेस उतनी कम हो जाएगी, और इसके अलावा मास्क और तमाम दूसरी चीज़ों का खास ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि सावधानी भी ज़रूरी है, भले ही वैक्सीनेशन आ गया। तो चलिए इंतज़ार कीजिए बस 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस की परेड का।